विरासत फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस देश को तीन ओर से समुद्र घेरे हुए है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस जनसंख्या की दृष्टि से 20वें स्थान पर आती है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच है। फ्रांस का राष्ट्रीय पशु गैलिक रूस्टर है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फ्रांस की करेंसी यूरो है, जो भारत के 86 रुपए के लगभग बराबर होता है। फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली हैं। फ्रांस के लोग 8 घंटे से अधिक की नींद लेते हैं, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फ्रांस का एक दुखद बात यह है कि यहाँ के 10% लोग दिव्यांग हैं। फ्रांस के होटलों में बनने वाले खाने कभी फेंके नहीं जाते हैं, बल्कि जरूरतमंदों को दान कर दिया जाता है। यहाँ पर फास्ट फूड पर बैन लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि मोटापे में वृद्धि ना हो सके। कई ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदते वक्त व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन इसके लिए फ्रांस में वेंडिंग मशीन लगाया गया है, जहाँ पर ATM की तरह आप उस चीज को खरीद सकते हैं जिसे फेस टू फेस खरीदना शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फ्रांस एक कमाल का सुंदर देश है। फ्रांस के लोगों का रहन सहन और यहाँ की सुंदर इमारतें, स्वच्छ वातावरण ही दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए फ्रांस में ही आते हैं। कभी एक ऐसा समय था जब फ्रांस दूसरे कई देशों पर राज करता था, लेकिन कुछ समय बाद उन सभी देशों ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल कर लिया। फ्रांस की कानून व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया है, और यही वजह है कि किसी सुअर का नाम नेपोलियन रख देने पर कठिन सजा देने का नियम है। फ्रांस में छोटी उम्र में ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना। दूसरे देशों के लोग सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद कनाडा और तीसरे नंबर पर फ्रांस में निवास करते हैं। वहीं पर अपना घर भी बना चुके हैं। फ्रांस में लंबी नदी भी मौजूद है। यहाँ की एक बुजुर्ग महिला ने 118 साल से भी ज्यादा सालों तक जीवित रहकर फ्रांस का नाम रोशन कर दिया। दुनिया भर से सबसे ज्यादा लेखक और साहित्यकार फ्रांस के ही हैं। फ्रांस के लोग ज्यादातर शहरों में ही निवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कोई भी अवसर मौजूद नहीं है। यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा वर्षों तक जीवित रहती हैं। फ्रांस में उन माता पिता को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है जो 5 से अधिक बच्चों को पैदा करके उनका पालन पोषण करते हैं और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर सुंदरता को दिखाने के लिए कोई भी कार्यक्रम करना गैर कानूनी है। वैसे तो फ्रांस दुनिया भर में रोमांस करने वाला देश के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रेलवे प्लेटफार्म पर रोमांस करना गैर कानूनी है, क्योंकि रेलवे प्लेटफार्म एक सार्वजनिक जगह है। ऐसा करते अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो जाती है। फ्रांस में बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। फ्रांस में आप किसी भी पुलिस अथवा पुलिस अधिकारियों का वीडियो नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि फोटो खींचना भी गलत माना जाता है, और यह कानून की नज़र में गलत है। फ्रांस के लोग अप्रैल फूल दिवस मनाने में सबसे आगे हैं। फ्रांस में पति के आज्ञा के बिना पत्नी बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती, ऐसा वहां के कानून में लिखा हुआ है। फ्रांस में शादी समारोह में सफेद कपड़े पहनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। साइकिल रेस करने की प्रतियोगिता फ्रांस में कई वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, आप सभी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, जो फ्रांस के एक संग्रहालय में मौजूद है। अगर बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो यह अमेरिका में ही है, लेकिन फ्रांस देश ने ही अमेरिका को दिया है, जिससे उनका आपसी संबंध मजबूत बना रहे। फ्रांस में सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले पैनल से सड़क बनाया गया है। सड़क किनारे लगे कैमरे और बल्ब इसी से चलते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो फ्रांस में ही बनी हैं, जैसे साइकिल, कैमरा और पैराशूट। फ्रांस के डॉक्टरों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई। वह है आर्टिफिशियल हार्ट, जो किसी व्यक्ति के हृदय को निकाल कर
अपने द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल हृदय को लगा व्यक्ति को जीवित रखने में सहायता प्रदान करते हैं। फ्रांस में बियर काफी अधिक मात्रा में बनाया जाता है। फ्रांस के लोग सांप और मेंढक के साथ साथ घोड़े का मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डीगाल को लोग कई बार मारने की कोशिश किए, लेकिन वो हमेशा बचते गए, और ऐसा कई बार हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे विरासत फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी दूसरी वीडियो आपके मोबाइल पर आती रहे।